जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान भावी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो नहीं आता है यह बताना है आपके लिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यह। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है डी में? यहाँ पर डी में है चूखा परियोजना, आपका सही आंसर है। जो चूखा परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि क्यों ठंडा है यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर दो है, चार विकल्प हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर यहाँ पर जो है वह है विकल्प नंबर सी, यह उच्च तुंगता पर है, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर भारत में वर्षा का औसत है, तो भारत में वर्षा का औसत बताना है क्या है। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है भारत में वर्षा का औसत है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 118 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 118 सेंटीमीटर है भारत में औसत वार्षिक वर्षा औसत। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इसका राइट आंसर है आपके लिए बताना है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर चार है और चार का राइट आंसर है तमिलनाडु, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। दोस्तों अगर आप भी MPPSC, MP जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस, MP व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। प्ले स्टोर से भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायदे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद आपके लिए इसको लॉगिन करना है। आपके लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि किस विषय की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या है, फ्री लाइव क्लास है, फ्री डेमो क्लास है। जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव और फ्री डेमो क्लास आपके लिए उपलब्ध है, और आपका जो भी यहाँ पर डाउट होगा उसका यहाँ पर डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए फ्री लाइव टेस्ट, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट भी है, और यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी बहुत सारे उपलब्ध हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और आप फ्री लाइव टेस्ट भी है यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं फ्री में, वो भी यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट करके टॉप एजुकेटर के माध्यम से, सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लाइव चैट में भी, लाइव के माध्यम से भी, जब लाइव क्लास हो रही है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से क्वेश्चन कि इसमें हमें डाउट है, और टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर PDF, वो फ्री PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री PDF यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब से आपके लिए यहाँ पर फिर आगे चल के आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी आप टेस्ट यहाँ पर करते हैं तो उसका आपके लिए यहाँ पर जो है
स्कोर कार्ड बताया जाता है कि आपके यहाँ पर इतने नंबर आए हैं आपके टेस्ट में और इतने नंबर हैं, और आपकी परफॉर्मेंस बताई जाती है कि, और यहाँ पर आपके लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से पेपर का एनालिसिस आपके लिए बताया जाता है, और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MP जेल प्रेरी, MP पुलिस, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। जो भी व्यापम से संबंधित आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर। तो आज ही आप जो ऐप है अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास और प्लस क्लास, इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो, और प्लस क्लास यानी कि जो पेड क्लास है, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस इसमें कवर किया जाता है फ्री क्लास में, और आपके लिए लिमिटेड यहाँ पर टेस्ट हैं, लिमिटेड आपके लिए PDF नोट्स हैं, और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन है, किसमें, फ्री क्लास में। लेकिन आपके लिए जो प्लस क्लास है इसमें आपके लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल कंप्लीट आपके लिए, और अनलिमिटेड यहाँ पर आपके लिए टेस्ट हैं, और अनलिमिटेड PDF नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, और ऑल डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं वो भी टॉप एजुकेटर के माध्यम से। तो यह अंतर आपका है फ्री क्लास में और प्लस क्लास में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। तो किस राज्य में यह बताना है आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या असम। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मिजोरम आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक वन जो है वनावरण प्रतिशत वाले राज्य है मिजोरम, इसमें 85.41% है। फिर आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर है आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली पर्वतमाला पर, या शिलांग पठार पर, या शिवालिक पठार पर, या प्रायद्वीपीय पठार पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर डी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार पर, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यह उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक तथा शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो खादर, बंगर, या कल्लर, या रेगुड़। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर बी यानी कि बांगर, ए आपका जो है राइट आंसर है। देखिए बांगड़ जो है पुरानी जलोढ़ से निर्मित है, बांगड़ की मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं, बांगड़ मैदान का सबसे ऊंचा जमीन है, इसका निर्माण मध्य और उत्तरी प्लास्टोसीन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, राजस्थान, गुजरात में। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका राइट आंसर होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो पीट, काली, लैटेराइट, लाल। तो किस प्रकार की जो मिट्टी रहती है इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो काली आपका राइट आंसर है, काली विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा। देखिए भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्राय से काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती जो होती है वह सबसे अच्छी होती है। और काली मिट्टी जो है मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो भारत का बताना है तो कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। देखिए भारत में मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में इंदौर में, जो मध्य प्रदेश के इंदौर है इसमें सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी है इंदौर में।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है यह बताने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। जी हाँ, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। देखिए, भारत का विश्व दूध उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 20% भाग जो है, लगभग 20% भारत में उत्पादित होता है। इससे पहले सबसे अधिक दूध उत्पादन करने की फहरिस्त में पहला नाम अमेरिका का आता था। और अब जो है, भारत में दूध उत्पादन 2015-16 में 155.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का राइट आंसर है क्या है? खरीफ की फसल काटी जाती है तो खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं और इन्हें नवंबर के आसपास काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है तो कहां पर यह स्थित है? तो यह कहां पर? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे, तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? जायद, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज, सोयाबीन, मक्का या पटसन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि तरबूज। जी हाँ, तरबूज आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, जायद कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु उपलब्ध संसाधनों का समुचित तो और सामूहिक उपयोग परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय जल एवं विद्युत संस्थान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कटक बासला में, दिल्ली में, जामनगर में या श्रीशैलम में। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान केंद्र स्थित है तो कटक बासला विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र या उड़ीसा या कर्नाटक या मध्य प्रदेश। 4 विकल्प हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा आपका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। देखिए, लोहे इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज प्राह काले रंग की प्राकृतिक भस्म के रूप में मारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। देश में मैग्नीज खनिज के मुख्य भंडार जो हैं उड़ीसा में से, और उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गोवा में हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में, उड़ीसा में। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं कहाँ पर? विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है तो क्या होगा इसका राइट आंसर यह बताना है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम या यूरेनियम, लोहे अयस्क या कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 4 विकल्प हैं और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पेट्रोलियम। जी हाँ, पेट्रोलियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत में अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लोहे इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। क्वेश्चन नंबर 19 से 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका राइट आंसर होगा वह विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रिटेन। जी हाँ, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित एक नगर और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में बताना है, विश्व में कौन सा स्थान है आपके लिए बताना है भारत का, तो बताइए कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरा। दूसरा आपका राइट आंसर है, सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। सीमेंट जो है इसको भवन निर्माण की प्रक्रिया सामग्री, भवन निर्माण की प्रमुख सामग्री के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो कौन जो है कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो भद्रावती आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भद्रावती जो है शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर तथा बेंगलुरु से 255 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है अपने यहाँ पर, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान बताना है कौन सा है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, तो द्वितीय आपका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 54 लाख किलोमीटर से अधिक है। रख रखाव और निर्माण के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और गांव की सड़कें, सीमा सड़क आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है यह आपके लिए बताना है, 9, 14, 15, 17। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर राइट आंसर है, वह है आपका विकल्प नंबर डी, 17। 17 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए भारतीय रेल 16 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 17 दिया है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं, ये मंडल पूरे भारत में फैले हुए हैं। भारतीय रेलवे जो है को भारतीय रेलवे को जोन में विभाजित किया गया है और जोन को भी डिवीजनों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन एक जो है डिवीजनल मुख्यालय होता है और प्रत्येक डिवीजनों का नेतृत्व एक डिवीजनल रेलवे मैनेजर करता है, जो क्षेत्र के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जो है नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो कौन सी वह ट्रेन है जो अधिकतम दूरी तय करती है? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर जो है आपका बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल है आपका राइट आंसर है। देखिए तिरुवनंतपुरम राजधानी भारत में एक राजधानी एक्सप्रेस राजनी रजनी जो है एक्सप्रेस सेवा है, जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम से जोड़ती है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन तक चलती है। यह सबसे लंबी चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो लगभग 3149 किलोमीटर को कवर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कोलकाता या न्यावा सेवा या पारादीप या विशाखापट्टनम। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, या इसी को क्या कहते हैं, न्यावा सेवा। अमर सागर जो है अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह की यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नौसैनिक, तेल, प्राकृतिक, नदी। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और चार विकल्प हैं और आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि नदी। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है, आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन लिए थे।
आज ही आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, और आप यहाँ पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं। तो हम बता दें, देखिए यहाँ पर आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो यहाँ पर एक जो वर्चस्व नामक समसामयिकी आपके लिए फ्री मिलती है, इससे आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है कोर्स चल रहे हैं, अभी बैच कोर्स चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC, MPPSC मेंस से जो है बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स चल रहे हैं, बैच कोर्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी एडमिशन फीस रहती है, एक महीने की आपकी यहाँ पर जो फीस है वह 1600 रुपये है। अगर आप समित जैन कोड यूज करते हैं तो यही फीस आपके लिए एक महीने की 1440 रुपये लगती है। 3 महीने का है यहाँ पर 4000 रुपये, और 6 महीने का है 7200 रुपये, और 12 महीने का है 8800 रुपये, और आपका 24 महीना का है यहाँ पर 12800 रुपये। और अगर आप समित जैन कोड यूज करेंगे तो यही आपके लिए 10% ऑफ में मिलेगा। तो सभी जो भी कोर्स आप खरीदेंगे, चाहे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो आपके यहाँ पर 10% ऑफ में यह कोर्स मिलेगा, अगर आप समित जैन कोड यूज करती हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान उपलब्ध हैं, 3 में से कोई सा भी एक प्लान खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।